इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहरसा जिले के शोर बाजार प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों मनरेगा योजना द्वारा प्रखंड के सभी पंचायतों में मिट्टी समलती कारण कार्य चल रहा है, जो जीविका दीदी द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका संचालन पंचायत कार्य समिति द्वारा हो रही है। योजना को लेकर पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि इसमें पंचायत समिति सदस्य द्वारा जीविका दीदी द्वारा आयोजन संचालित करने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस बात का पता तब चला जब शोर बाजार मनरेगा भवन में चल रहे मजदूर मेट प्रतीक्षण में पंचायत समिति सदस्य की सहभागिता नहीं ली गई। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है, जो सरासर अन्याय है। इन समस्या की जानकारी जब मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी से ली गई, तो उन्होंने बताया कि सरकार का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। अगर इस बात से पंचायत समिति सदस्य को परेशानी है तो वह अपनी समस्या सरकार के सामने रख सकती है। इंडियन टीवी न्यूज में सहरसा से मिथिलेश कुमार रिपोर्टिंग। अच्छा, अभी देख रहे हैं मनरेगा भवन में दो दिन से प्रशिक्षण चल रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के पास समस्या है। ऐसा क्या समस्या आप लोगों का? समस्या ये है, ग्राम पंचायत में जो है मैट का सरकार के द्वारा जो बहाल किया जा रहा है, उसमें तो ग्राम पंचायत में मुखिया जी का भी योजना चलते हैं और पंचायत समिति का भी योजना मनरेगा से चलते हैं, जबकि मैट जो है एक प्रकार का अटेंडेंस बनाने के लिए उसको बहाल किया जा रहा है। अच्छा, मजदूर सब का? मजदूर सब का, लेकिन वहाँ पंचायत समिति भी अपना योजना चलाते हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जिस मतलब पंचायत समिति भी जो ग्राम पंचायत से ही उसी पंचायत से वोट से जीत के आए हैं, उसका भी अधिकार है। इसलिए अगर मुखिया जी को अधिकार जो मिल रहा है, पंचायत समिति को भी कुछ उसका अधिकार मिले, यही मैं मांग करता हूं सरकार से। मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे मेट का भी प्रशिक्षण चल रहा है, तो आप लोगों से ऐसा कोई सूची नहीं मांगा गया विभाग के द्वारा? नहीं, किसी प्रकार का कोई सूची नहीं मांगा गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं हम लोग का भी उसमें अधिकार हो, सूची लिया जाए, जो कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और धरातल पर सही रूप से विकास हो, मजदूर का सही रूप से हम मजदूरी बने। अच्छा, ये किस चीज़ का योजना अभी चल रहा है उन लोगों का? जैसे सुनने में आ रहा है कि जीविका दीदी सब कर रही है। अभी जीविका दीदी का ये योजना चल रहा है, मट्टी भराई। अच्छा, और जैसे उसमें जीविका दीदी में पंचायत समिति को शामिल नहीं किया गया है? किसी प्रकार का कोई शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए आप सरकार से मांग जी कर सरकार से मांग करना चाहते हैं जो पंचायत समिति का भी अधिकार उसमें होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सुधांशु शेखर, पंचायत समिति ग्राम पंचायत अजगेवा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।